तो भाई क्या हाल है सबके। मैं अभी अपना वर्कआउट खत्म करके आया हूँ और मैंने सोचा काफी टाइम से वीडियो नहीं डाला, एक वीडियो डाल देते हैं। और अब रेगुलर वीडियोस डालनी है यार, क्योंकि पिछले साल के बाद, मेरा पिछले साल एक्चुअली गोल था कि मैं चैनल मोनेटाइज करूंगा अपना, और वो मैंने अचीव कर लिया था। बट जब मैं ट्रैक से वापस आया था दिसंबर में, पता नहीं नए साल जब आया, नया साल चढ़ा तो अंदर से ना इंस्पिरेशन नहीं आ रही थी मेरे को, पता नहीं क्यों अजीब सा फील हो रहा था। बट इस साल मैंने भी गोल बनाया कि वीडियोस भी लगातार डालनी है और साल के एंड तक 10,000 सब्सक्राइबर खींचने हैं, जैसे मर्जी खींचने हैं बट खींच दूंगा। गोल बना के अचीव करना है और उस माइंड, जो एक नेगेटिव माइंडसेट होता है ना, उससे बाहर निकलना बहुत जरूरी है। और वो सबके साथ होता है यार, हम लोग कभी कभी ऐसे उसमें आ जाते हैं स्टेट में कि भाई सेल्फ डाउट होती है, इंस्पिरेशन नहीं आती, क्या करें। इट्स ओके, क्या हो गया यार। मैंने सोचा कि स्टेप लेना, बस बिना सोचे समझे, बस जो करना है कर देना। बट एनीवेज आज का वीडियो हम बनाते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरे जिम बैग में क्या है और मैं क्या क्या चीजें यूज करता हूँ सप्लीमेंट के अलावा, जो बहुत एसेंशियल चीजें हैं। तो लेट्स चेक इट। तो हम पहुंच गए घर और ये रहा अपना जिम का बैग। अब इसमें हम एसेंशियल चीजें क्या क्या है वो दिखाता हूँ मैं आपको, मैं यूज क्या करता हूँ बेसिकली। सबसे पहली चीज़ है इसेंशियल है, वो है अपना टॉवल। तो मैं हमेशा ये सजेस्ट करता हूँ सबको कि अपने साथ टॉवल जरूर रखा करो, मैं तो हमेशा रखता हूँ, ताकि किसी दूसरे बंदे को प्रॉब्लम ना हो। जब मैं वर्कआउट करके, अब मैं खुद इतना स्वेट करता हूँ, तो मैं स्वेट वर्क जब मैंने सेट लगा लिया और मैं उठूँगा, इमेजिन यार किसी दूसरे बंदे को आकर मिले यार पसीने पसीने हो रखा है। सो टॉवल सबसे ज़्यादा इसेंशियल चीज़ है जिम में। उसके बाद मेरी चीज़ है डीओ। डीओ भी रखना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज डी तो You know, for obvious reasons. उसके बाद आपने कैफीन, हेल्थ एक्सपी की मैं कैफीन यूज कर रहा हूँ अभी। ये बेसिकली यार जरूरी नहीं होता कि हर बारी लेनी होती है, बट मैं प्रेफर करता हूँ कि जिस दिन एनर्जी नहीं है अपने साथ रखूँ, बाई चांस बंदा यूज कर लेता। अब गर्मियों में टाइम में सबसे हम ज़्यादा स्वेट करते हैं, तो हम इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत यूज़ करते हैं, तो BCAA मैं स्पेसिफिकली गर्मियों में यूज़ करता हूँ वर्कआउट के टाइम पे, मैं वर्कआउट लगा रहा होता हूँ। और जब बड़े मसल यूज़ करने, जब बड़े मसल स्ट्रेन करने होते हैं जैसे कि लेग्स, तो मैं क्या करता हूँ कभी कभी BCAA में भी ग्लूकोज डाल लेता हूँ एनर्जी के लिए, नहीं तो चक्कर आ जाते हैं और बंदा आ जाता है बेहोश। तो शुगर चाहिए होती है उस टाइम बहुत, बिकॉज यार लेग्स आपकी हाफ बॉडी है, ठीक है, तो लेग्स के टाइम पे शुगर लेनी बहुत ज़रूरी है। तो BCAA के अंदर मैं ग्लूकोज भी डाल लेता हूँ, आप वो आपकी मर्जी, अब डालना कि नहीं डालना, बट मैं BCAA जरूर यूज़ करता हूँ अपने गर्मियों में स्पेशली। उसके बाद दो चीज़ें है इम्पॉर्टेंट, एक आपके रिस्ट सपोर्ट और रिस्ट स्ट्रैप्स। अब इसका पर्पस बेसिकली मैं ये यूज़ करता हूँ जब मैं बेंच प्रेस लगा रहा हूँ, ठीक है, हैवी मूवमेंट है जिसमें मेरी रिस्ट पे प्रेशर आएगा बहुत, मैं बेंच प्रेस लगा रहा हूँ या ट्राइसेप्स लगा रहा हूँ, शोल्डर प्रेस लगा रहा हूँ, मिलिट्री प्रेस लगा रहा हूँ, तो क्या अपने रिस्ट में बहुत प्रेशर आता है, ठीक है, उस टाइम पे मैं ये यूज़ करता हूँ। और जो हमारी पुल मूवमेंट्स हैं, जैसे कि मेरी डेडलिफ्ट होगी, श्रग्स हो गए, लैट पुल डाउन हो गए, है ना। इसके बाद दो चीज़ें मेरे पास पड़ी हैं एंड में, एक हो गया आपके ये फैट ग्रिप्स बाइसेप, और मेरे को बाइसेप लगा के बड़ा मज़ा आता है इनसे यार, अमेजिंग फील होता है, और फोर आर्म्स भी ग्रो करती हैं। कभी कभी मैं क्या करता हूँ चेस्ट में जब बेंच प्रेस लगा रहा होता हूँ तो भी ये यूज़ कर लेता हूँ डिफरेंट फील के लिए। आपने देखा भी होगा मेरी फुल वर्कआउट सीरीज में मैंने यूज़ किए भी हुए हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपके हेडफोन्स। भाई अपने साथ हेडफोन रखने बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जिम में डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं। तो मैंने एक्चुअली में नोट भी किया, जब मैं हेडफोन्स लगा के वर्कआउट करता हूँ तो बंदे का फोकस भी ज़्यादा बनता है और डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं होती ज़्यादा, क्योंकि बाहर का म्यूज़िक लाउड होता है और मतलब बंदा एक जोन में चले जाता है, ठीक है, हेडफोन लगा के। सो ये मेरी जिम की एसेंशियल चीज़ें थी जो मैंने भी आपको दिखाई, जो मैं यूज़ करता हूँ। अगली बार मिलते हैं नई वीडियो के साथ, एंड पहले तो आप सबको थैंक यू सो मच यार मुझे इतना सपोर्ट करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, बिकॉज आप लोगों की वजह से ही मैं मोटिवेट होता हूँ कि मैं और वीडियोज़ बना सकूँ। उस टाइम थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है, आपको कुछ सीखने को भी मिलता है या एंटरटेनिंग लगती हैं, है ना, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, चैनल को ग्रो करना है अभी, और ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहो, इंस्पायर करते रहो। थैंक यू सो मच यार, आई लव यू गाइस, ऑल ऑफ यू।